प्रोफेसर एस के पांडे लिखा हुआ है, कमलेश कुमार लिखा हुआ है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है। और शासन कार्यालय चाहिए जिनको आप लोगों ने विस्तार कर दिया है, जो 40,000 स्टूडेंट के नेता है। जीडी कॉलेज में पीजी की एडमिशन स्टार्ट हो गई है। छात्रों का कहना है कि बहुत ज्यादा रकम असूला जा रहा है। आज उसी को लेकर छात्र संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण 12th और पार्ट 1 में जो बच्चे एडमिशन करा रहे हैं उनको भी खामियां भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने सारे काउंटर को बंद करके उन्होंने भी अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है, जबकि इसमें 12th और इंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अब देखना यह है कि कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ दोनों कब तक यूं ही उलझते रहेंगे। हड़ताल पे बैठबो, सब काउंटर बंद कर दिया। क्या पूरा मामला है संक्षेप में बताइएगा? पीजी की नामांकन हो रही है मिथिला यूनिवर्सिटी के तहत जीडी कॉलेज में। पीजी की नामांकन में आज तक तो सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन के लिए फीस ही नहीं ली जा रही थी, मोबाइल में दबा दी गई, फीस ही नहीं ली जा रही थी, परंतु इस बार फीस 2100 से 2700 कर दी गई, जबकि छात्रों के लिए जीरो रुपये मान वहाँ से मतलब स्वीकृत की गई थी, ₹0। लेकिन वाइस चांसलर की मनमानी और जीडी कॉलेज अवधेश कुमार की मनमानी से, जीडी कॉलेज प्रचार अवधेश कुमार की मनमानी से जीडी कॉलेज में 2700 ले जा रही है, वहीं स्वतः समस्तीपुर कॉलेज में 1700 ली जा रही है, जिस कारण यहां के जीडी कॉलेज के छात्र संघ अपने प्रचार से 2700 से कुछ कम करवाने के लिए यहां पे धरना पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपका पीजी का मांग है तो इंटर वगैरह का जो बंद किया गया, आप लोग के द्वारा या कॉलेज प्रशासन के द्वारा? इंटर देखिए, हम लोग जब अपनी मांग को लेकर निकले थे वो भी मिलने के लिए, ना कि काउंटर के लिए, कोई छात्र संघ और संगठन काउंटर पर नहीं गई थी। ये मनमानी कॉलेज के बड़ा बाबू की थी, उन्होंने बोला हम लोगों की बात दबाने के लिए अगर तुम लोग अगर करोगे मनमानी तो हम अपना काउंटर बंद करेंगे। उन्होंने अपने ही मन से, कॉलेज प्रशासन अपने ही मन से काउंटर को बंद करवाया, यहाँ पर ना ही कोई छात्र संघ और ना ही कोई छात्र संगठन बंद करवाया। ये जो बहुत सारा मामला आ रहा है, ये पीजी पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सबका रिजल्ट पेंडिंग है, इसका क्या है? रिजल्ट पेंडिंग आ रहा है पीजी का, तो इसमें सबसे बड़ा दोष है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। यहाँ से जो है सीट जो बन के जाती है, अंक सीट यहाँ, ये जीडी कॉलेज से दिक्कत है या जीडी कॉलेज से ना दिक्कत है? जीडी कॉलेज जो आपका भी रिजल्ट फंसा हुआ है ना, रिजल्ट किनका फंसा हुआ है? रिजल्ट में आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, हाँ, इंटरनल मार्क्स नहीं दिया गया था। अच्छा, हम अर्जेंट भी हैं और मेरा और जो स्टोरी का नंबर है वो भी दिया गया, तो बताया गया कि यहाँ से आपको अटेंडेंस लेके दरभंगा जाना पड़ेगा। लगभग 3 दिन 4 दिन लगातार गए और एक आप 4 बार दरभंगा लगातार गए? 4 बार गए और बहुत सारे बच्चों का और खास करके मेरा जो है इसके पहले, जबकि इसमें तो आपको दरभंगा जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो गलती कॉलेज प्रशासन की है, तो फिर आप दरभंगा क्यों है? उसको भी उसके थ्रू भी यहाँ से काम हो सकता था, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है जो व्यवस्था है वो कोई भी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसके कारण बच्चों को बार बार दौड़ के दरभंगा जाना पड़ता और इस तरह की जो घटनाएं बार बार होती है, इसके लिए हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अरमान है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का इस बार दिए, अभी सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? पवन कुमार, NSCY सचिव, जिला सचिव।